गांधी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है, तो फिर क्या कुछ कहना है आज? जिस प्रकार से इस वर्ष हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लंबे समय से लंबित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा होते ही यह परीक्षा धांधली की भेंट चढ़ गई और पेपर लीक हो गया। सरकार द्वारा SIT जांच बिठाई गई, लेकिन आज 7 माह बीत जाने के बाद भी SIT की कोई भी जांच सामने नहीं आई है। NSUI इसको लेकर आने वाले 13 अक्टूबर को सचिवालय कूच करने जा रही है, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी और प्रदेश प्रभारी सतवीर चौधरी जी के साथ साथ पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारी व युवा छात्र इसमें सम्मिलित होंगे। सर, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो NSUI है, सरकार निश्चित तौर पर जो रोजगार है युवाओं को रोजगार देने में असफल है। सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है, क्यों इतने समय से जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वीडियो की है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, चाहे SDM की है, ये परीक्षाएं क्यों अभी तक लंबित हैं, सरकार क्यों नहीं करा रही है? हम सरकार से यही सवाल पूछना चाहते हैं और इसी को लेकर हम लोग सचिवालय कुछ करने जा रहे हैं। सर, इसके अलावा और क्या क्या कुछ मांग? जितने भी हमारे वीडियो हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हमारे अन्य विभाग के जो भी, चाहे लेखपाल हैं, इन विभागों की सभी भर्तियों के बारे में हम सरकार से मांग रखेंगे कि इनके जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकाली जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।